बच्चों स्टार्ट करते हैं कार्बोकैटायन कार्बन आयन स्टेबिलिटी से। मतलब स्टार्ट लेटर से, बी से स्टार्ट करते हैं। लेट अस हैव अ लुक एट द स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकैटायन। ये क्वेश्चन हमने लास्ट क्लास में भी किया था, बट आई वॉन्ट टू डिस्कस इट अगेन विद यू। इस टाइप के क्वेश्चन क्योंकि इंपॉर्टेंट है गाइस, ये सही कर दोगे तो बेसिक एसिडिक नेचर सब कर जाओगे। बच्चों करो इसे, इसमें मुझे चाहिए स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकैटायन। बताओ गाइस, शांति से करना, टेक योर टाइम एंड गिव मी द आंसर। कर रहे हो नहीं कर रहे हो गाइस, मतलब मैं ऐसे ही वेट करता रह जाऊं। करो गाइस, गलत हो जाए डजंट मैटर, करना जरूरी है। अभी प्रैक्टिस करोगे तो एग्जाम के लिए प्रैक्टिस होगी। करो हाँ बताओ। अच्छा बोल ही नहीं। अक्षत बेटा कर रहे हो नहीं कर रहे हो? हो नहीं रहा। ओके वन वन थ्री फोर थ्री फोर एंड देन टू। गुड गाइस, ध्यान से देखो कैसे आया। हम कहेंगे पहली चीज, ये सारे ग्रुप्स पुलिंग है, ठीक है ना गाइस? तो सबसे ज्यादा स्टेबल तो वन ही होगा क्योंकि यहां पे तो कार्बोकैटायन पे मतलब कोई पुल कर ही नहीं रहा ना। अब गाइस ये पुल करेगा इंडक्टिव से, ये दोनों पुल करेंगे रेजोनेंस प्लस इंडक्टिव से, तो ये रिलेटिवली कम पुल कर रहा है, तो उसके बाद आ गया थ्री। अब ये दोनों रेजोनेंस से भी पुल कर रहे हैं, इंडक्टिव से भी कर रहे हैं। जब दोनों ही रेजोनेंस से पुल कर रहे हैं तो इनका रेजोनेंस इफेक्ट तो भूल ही जाओ। तो इनका इंडक्टिव देखो, इंडक्टिव से ये कम पुल कर रहा है, ये ज्यादा पुल करेगा, तो देन विल कम फोर एंड देन टू। हाँ या ना बच्चों, समझ में आया नहीं आया गाइस? गाइस यस। अब ये बहुत जगह लगेगा, ये चीज बहुत जगह लगेगी। कैसे कई जगह लगेगी? किसी ने कहा यहां पे हमने CH2Cl लिया, ठीक है ना, और फिर ग्रुप्स भी लगा दिए, जी ग्रुप यहां पे भी लगा सकते हो, यहां पे भी लगा सकते हो, यहां पे भी लगा सकते हो। NO2 की बात कर रहा हूं मैं। ये पूछ रहा है SN2 फास्टेस्ट किस में होगा। SN2 में हम क्या देखते हैं गाइस? प्लस डेल चार्ज नहीं, SN2। अच्छा, SN2 में हम क्या देखते हैं? हम देखते हैं प्लस डेल चार्ज ओवर कार्बन। जिसपे प्लस डेल ज्यादा उसमें SN2 फास्ट, तो सबसे जल्दी कौन करेगा? 2 या 4, इन दोनों में से एक हो सकता है। हाँ या ना? Yes. प्लस डेल चार्ज, प्लस डेल चार्ज सबसे ज्यादा कौन डालेगा? ये NO2 या डालेगा या ये डालेगा? तुम कहोगे ये डालेगा, मैं कहूंगा एक और इफेक्ट आ सकता है, क्या? हिंड्रेंस। हाँ या ना? दैट माइट बी अ रीजन जहां से 4 > 2 आ जाए। क्लियर और नॉट? Yes. यहां पे हम क्या देख रहे हैं? प्लस डेल चार्ज कौन से पे सबसे ज्यादा आ रहा है? इस पे सबसे ज्यादा आ रहा होगा ड्यू टू दिस NO2। तो बेसिकली इट शुड बी 2 4 3 1, लेकिन देयर इज आल्सो पॉसिबिलिटी 4 2 3 1 आ जाए। क्यों? क्योंकि वहां पे ऑर्थो पोजीशन पे ग्रुप प्रेजेंट है व्हिच माइट बी क्रिएटिंग हिंड्रेंस फॉर SN2 अटैक। अब आते हैं नेक्स्ट पे, SN1 फास्टेस्ट किस में होगा? इसी रिएक्शन में CH2Cl का SN1 किस में होगा? उसमें हम देखते हैं स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकैटायन, तो सबसे जल्दी कौन सा करेगा? 1 then 3 then 2 then 4। हाँ है ना बच्चों? क्लियर और नॉट गाइस? बताओ भाई। यस यस सर। कोई कहता मैं यहां पे फिनॉल लेता, क्या लेता? फिनॉल। फिनॉल द एक स्पेसिफिक केस आ गया, लेट अस टेक
एनएसटू में भी यही आएगा, सीओएच में भी इफेक्ट पड़ेगा, ओएच ही ले रहा हूं गैस अभी है ना, प्लीज डोंट कंसीडर एनओ टू का ऑर्थो में किस इफेक्ट को कंसीडर मत करो, तुम्हारा इंट्रा मॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग उसको कंसीडर मत करना। मुझे पूछना है इसमें से सबसे ज्यादा एसिडिक कौन सा होगा, एसिडिक कौन सा होगा बच्चों, विच इज गोइंग टू बी मोस्ट एसिडिक, एसिडिक नेचर, एसिडिक नेचर का मतलब है एच का बाहर निकलना, एच बाहर तब निकलेगा जब प्लस गैस चार्ज सबसे ज्यादा होगा, हाँ है ना, तो सबसे ज्यादा एसिडिक कौन होगा इन चारों में से बताओ मुझे, मतलब ओ एच यहाँ पे ओ एच एनओ टू ओ एच एनओ टू ओ एच एनओ टू सबसे ज्यादा एसिडिक कौन सा होगा, सेकेंड होगा ऑब्वियसली, हाँ है ना बच्चों, सेकेंड वाला सबसे ज्यादा एसिडिक होना चाहिए क्योंकि प्लस जल चार्ज सबसे ज्यादा यहाँ पे हिट कर रहा होगा। अब देर इज अ पॉसिबिलिटी फोर सबसे ज्यादा एसिडिक हो क्योंकि यहाँ पे अगर ओ एच लेते हो देर इज अ पॉसिबिलिटी ऑफ हाइड्रोजन बॉन्डिंग, हाँ है ना, हाइड्रोजन बॉन्डिंग से क्या होगा ओ एच, मतलब ये ऐसे कहो कि ये O से भी बॉन्डेड है NO2 से भी बॉन्डेड है तो इसे बाहर फेंकने की टेंडेंसी क्या हो जाएगी कम, हाँ है ना, बिकॉज इट इज कनेक्टेड टू O एज वेल एज NO2 का O, हाँ है ना गाइस, क्लियर हुआ नहीं हुआ, क्लियर हो गया, फिर अगर ऐसा कोई क्वेश्चन आया हाँ तो फिर और चार ऑप्शन में दे रखा होगा ना बेटा, चिंता क्यों कर रहे हो, ऐसा कोई केस नहीं देंगे वो जिसमें एम्बिग्यूटी आए, बिलीव दैट, ठीक है क्लियर है आधा, तो तुम्हारा इन एनी केस योर फोर शुड बी मोर एसिडिक देन टू बेसिकली, एनीवे नेक्स्ट पे आते हैं, सपोजिंग हम देखते हैं लेट अस टेक एनएस टू या लेट अस टॉक अबाउट सीओएच, सीओएच में सबसे ज्यादा एसिडिक कौन सा होगा बताओ गाइस, फॉर द टाइमिंग एक्सक्लूड इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग अगर हो पा रही है तो लीव दैट आउट फॉर द टाइम बी, बाकी बताओ कौन सा सबसे ज्यादा एसिडिक होना चाहिए टू, हाँ है ना, एसिडिक का मतलब है हमें अगर यहां पे सीओ एच है तो वी वॉन्ट कि यार इस वाले इसके एडजेसेंट कार्बन पे प्लस डेल चार्ज जितना ज्यादा होगा उतना ज्यादा एसिडिक होगा, हाँ है ना, यस सर, और एक चीज और याद करो सीओ एच में ऑर्थो पे जब भी तुम्हारा कोई ग्रुप प्रेजेंट होगा उसका एसिडिक स्ट्रेंथ ज्यादा होता है, ये याद आ रहा है नहीं याद आ रहा है, एज कंपेयर टू नॉर्मल एसिड, यस, अब यहां पे तो तुम कहोगे सर एनओ टू था उसने तो वैसे भी तुम्हारा एसिडिक नीचे बढ़ाना था, हाँ है ना, एनओ टू ने तो वैसे भी बढ़ाना था, अगर मैं यहां पे एनएस टू ले लेता उसका एसिडिक नेचर तब भी ज्यादा होता इससे, समझ रहे हो नहीं समझ रहे हो, इररिस्पेक्टिव ऑफ द ग्रुप प्रेजेंट एट ऑर्थो पोजीशन तुम्हारा एसिडिक स्ट्रेंथ बढ़ जाएगा, समझिया नहीं समझे, विच इज ऑर्थो इफेक्ट, समझ आया नहीं, कैसा भी ग्रुप हो कैसा भी ग्रुप हो एनी ग्रुप इज प्रेजेंट एट ऑर्थो पोजीशन ऑफ COOH इट विल इंक्रीज द एसिडिक स्ट्रेंथ, समझ में आया नहीं आया, यस गुड, अब आ जाते हैं एनएस टू पे, एनएस टू में हम बेसिक स्ट्रेंथ देख रहे हैं, यहां पे हमने इसमें बेसिक स्ट्रेंथ देख रहे हैं इसमें एसिडिक देखा था, बेसिक स्ट्रेंथ सबसे कम किस में होना चाहिए इन चारों में से देखो, बेसिक मतलब नाइट्रोजन का लोन पेयर डोनेट करने की टेंडेंसी, जो बंदा पॉजिटिव फेंकेगा वो बेसिक स्ट्रेंथ कम करेगा, हाँ है ना, यस सर, सेकंड होगा सेकंड, अब यहां पे अगर मैं एनएस टू के बजाय मतलब एनओ टू के बजाय मैं यहां पे सी एस सी लेता तब भी तुम्हारा बेसिक स्ट्रेंथ इसका कम होता एज कंपेयर टू दिस, विच लुक्स काइंड ऑफ वियर्ड क्योंकि सी एस सी तो डोनेटिंग है, हाँ है ना, यहां पे एनएस टू लिया और यहां पे हमने सी एस सी लिया, इसका एसिडिक स्ट्रेंथ तो मतलब सॉरी बेसिक स्ट्रेंथ बड़ा होना चाहिए ना बच्चों, हाँ है ना, लेकिन अंडरस्टैंड करो एनएस टू के केस में जब भी ऑर्थो पे कोई भी ग्रुप लगा दो उसका बेसिक स्ट्रेंथ इज लेस देन दैट ऑफ नॉर्मल एनएस टू के साथ एनिलीन से, यहां पे एनएस टू है यहां पे एनएस टू है, एनएस टू के साथ कोई भी ग्रुप लगा दो ऑर्थो पे इट विल डिक्रीज द बेसिक स्ट्रेंथ ऑफ द मॉलिक्यूल, समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है, चाहे वो डोनेटिंग हो या पुलिंग हो बेसिक स्ट्रेंथ क्या हो जाएगा कम हो जाएगा, एक सर इफेक्ट था एक सिप इफेक्ट था अगर तुम्हें याद हो, नहीं याद हो कोई बात नहीं, समझे नहीं समझे गाइस, आइडिया इज सीओओएच में ऑर्थो पे अगर कोई ग्रुप प्रेजेंट है तो एसिडिक स्ट्रेंथ बढ़ता है और यहां पे कोई भी ग्रुप प्रेजेंट है तो बेसिक स्ट्रेंथ घटता है,
एसिडिक स्ट्रेंथ इंक्रीजिंग। सर तो चारों में सबसे ज्यादा बेसिक कौन सा होगा? बेसिक डिक्रीज। कौन सी के केस में कह रहे थे? इसकी इसकी किसकी बात कर रहे थे? बेसिक बेसिक में सबसे ज्यादा सबसे कम बेसिक कौन सा होगा या सबसे ज्यादा बेसिक कौन सा होगा? सर सबसे ज्यादा सबसे ज्यादा बेसिक तो तुम्हारा ये होगा, एनओ टू वाला ही केस ले रहा हूं मैं। ओके एनओ टू वाला केस ही ले रहा हूं भैया। जो चारों ग्रुप हमने ग्रेट मिनट रुकना यार कमाल है। यहाँ पे जो हमने चारों तरफ ग्रुप्स ले रखे हैं, मतलब जो ग्रुप्स लिए वो एनओ टू लिया, एनओ टू तो पुलिंग होता हाँ है ना? यस सर। तो तुम्हारा सबसे ज्यादा बेसिक तो वन ही होगा, समझ में आ रहा है? नहीं आ रहा है बेटा? यस सर। कोई डाउट यहां तक? बोलो। यस गुड। अब आते हैं तो मतलब देख रहे हो एक ही चीज घूम घूम के बार बार आई जा रही है। अब आते हैं नेक्स्ट पे, एक स्पेशल केस मतलब दो और टाइप करेंगे CH2+। ये लास्ट क्लास में आई रियलाइज दिस वाज अ वेरी नाइस वे टू टीच यू गाइस, जो मैंने अभी यूज कर रहा हूं OH। उसके बाद हमारी बहुत मेहनत बच जाएगी OH CH2+ OH between 1, 2, 3, 4 which is most stable guys, मतलब stability order चाहिए मुझे। पहले भी मैंने stability order ही बोला था ना guys, stability of cargo बेटा, stability of cargo बेटा। हमें देखना पड़ेगा कि कौन सा बंदा डोनेट कर रहा है और कब डोनेट कर रहा है, मतलब रेजोनेंस तो तभी वर्क करेगा, रेजोनेंस से डोनेट करता है वो, ये तुम्हें याद होना चाहिए हाँ है ना, और इंडक्टिव से पुल करता है। तो जस्ट टेल मी द आंसर गाइस, फर्स्ट पहले आंसर दो, आंसर अगर गलत आया तो आई विल एक्सप्लेन टू यू अगेन। फोर ग्रेटर देन टू वन थ्री, वेरी नाइस। कैसे बच्चों? हम कहेंगे पहली चीज फोर और टू में रेजोनेंस से डोनेट कर रहा है, फोर और टू में रेजोनेंस से डोनेट कर रहा है और इंडक्टिव से पुल कर रहा है। पहली बार डोनेट कर रहा है तो तुम्हारा दे विल बी मोर स्टेबल, मतलब यहां पे नेगेटिव डालते हैं ना गाइस, ये यहां पे नेगेटिव डालता है, मतलब नेगेटिव डाल रहा है तो दे विल बी मोर स्टेबलाइज्ड देन 1 and 3 क्योंकि ये रेजोनेंस से डोनेट कर रहे हैं। अब गाइस इन दोनों में हमें देखना है कौन ज्यादा डोनेट कर रहा है, हमने कहा रेजोनेंस तो दोनों का बराबर है, तो लेट अस गो ऑन टू इंडक्टिव। इंडक्टिव से बंदा पुल कर रहा है, रेजोनेंस से डोनेट कर रहा है, इंडक्टिव से पुल कर रहा है, यहां से कम पुल करेगा, यहां से ज्यादा पुल करेगा, तो 4 विल बी मोर स्टेबल देन 2 हाँ है ना। अब बिटवीन 1 and 3 3 में रेजोनेंस तो वर्क ही नहीं कर रहा, सिर्फ इंडक्टिव वर्क कर रहा है, पहली चीज पुल कर रहा है, नेगेटिव चार्ज तो आया ही नहीं, तो हमारा ये वाला पुल कर रहा है जबकि इसमें कोई पुलिंग ग्रुप नहीं है, तो उसके बाद आएगा 1, सबसे एंड में आएगा 3 क्योंकि 3 में तो एक्चुअली पुलिंग इफेक्ट इज वर्किंग, तो उसने कार्बोकैटायन को डिस्टेबलाइज कर दिया हाँ या ना बच्चों, समझ में आया नहीं आया? तो दिस ऑर्डर वाज करेक्ट। अब गाइस इसको एक एक करके देखते आओ, अगेन फील तो वही रहेगी ना गाइस, CH2Cl इसमें SN1 करेंगे तो सबसे ज्यादा जल्दी कौन करेगा? SN1 करेंगे तो कार्बोकैटायन की स्टेबिलिटी देख रहे हैं, जो स्टेबल वो जल्दी करेगा सर 4। SN2 सबसे जल्दी कौन करेगा? रिएक्टिविटी ऑर्डर, मतलब पॉजिटिव चार्ज अगर है तो बेटर है गाइस सर 3। गुड। अब मैंने कहा इसी में मैंने जैसे सपोजिंग यहां पे उसने दे दिया होता एक्वस KOH, सबसे जल्दी कौन करेगा? तो हम क्या करते गाइस SN2 देख रहे होते, समझ आ रहा है नहीं आ रहा है बच्चों? गाइस यहां पे H2O हीट दे रखा होता, H2O हीट इज ऑलवेज SN1, तुम्हें याद होगा सिर्फ सॉल्वेंट एक्टिंग एज न्यूक्लियोफाइल इट इज SN1 हाँ है ना, तो दैट इज हाउ यू रियलाइज इट कि एक्वस KOH दे रखा है SN2 का ऑर्डर देखो, H2O हीट दे रखा है SN1 देखो। एनीवे अगर यहां पे मैंने ले लिया COH, सबसे ज्यादा एसिडिक कौन नॉर्मली कौन सा होना चाहिए? नॉर्मली फॉरगेट ऑर्थो इफेक्ट, नॉर्मली तुम्हारा सबसे ज्यादा एसिडिक कौन होना चाहिए?
सबसे आसरी कौन कौन होना चाहिए गाइस? थ्री इट शुड बी थ्री वी शुड बी मोर एसिडिक है ना करेक्ट और नॉट गाइस? अब आते हैं नेक्स्ट पे ये तो हमारा मतलब थ्री इज ऑब्वियस लेकिन डू यू रियलाइज ये जो है थ्री इज मोर एसिडिक देन वन है ना बट इवन फोर विल बी मोर एसिडिक देन वन यहाँ पे सी यू एस देख रहे हैं हम समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है गाइस? यस फोर विल बी मतलब टू विल बी ऑल्सो मोर एसिडिक देन वन क्योंकि ऑर्थो पे क्या ग्रुप प्रेजेंट है गाइस? OH ऑर्थो पे कोई ग्रुप प्रेजेंट होता है तो एसिडिक नेचर बढ़ता है प्रॉब्लम विल लाई बिटवीन टू एंड थ्री एंड होप कि तुम्हारा ये एक्सेप्शन में ना आ रहा हम नॉर्मली क्या कह देंगे टू शुड बी मोर एसिडिक मे बी समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है बच्चों इसलिए भी कह सकते हैं रीजनिंग अपने आप सोचनी पड़ती है COOH है अगर इसका हाइड्रोजन एलिमिनेट हो गया तो इन दोनों के बीच में हाइड्रोजन बॉन्ड हो जाएगा नहीं जाएगा राइट फील की बात है मतलब इट इज मोर ऑफ अ केस कि यार तुम रिलेट कर रहे हो जो भी तुमने इफेक्ट पढ़े है हाइड्रोजन बॉन्डिंग पढ़ा है और से इफेक्ट पता चल गया तुम्हें तो दैट्स व्हाट यू हैव टू डिसाइड अपॉन नेक्स्ट आते हैं NH2 पे बच्चों मुझे बेसिक स्ट्रेंथ चाहिए सबसे ज्यादा बेसिक कौन सा होगा ये बताओ मुझे सबसे ज्यादा बेसिक जो नाइट्रोजन के ऊपर नेगेटिव मतलब नाइट्रोजन वाले कार्बन पे नेगेटिव फेंकेगा वो सबसे ज्यादा बेसिक करेगा उसे बोलो गाइस सर फोर फोर इट इज गोइंग टू बी फोर OH नेगेटिव फेंक रहा है नेगेटिव फेंक रहा है NH2 पे कम ऑन गाइस इट इज गोइंग टू बी मोस्ट बेसिक बिटवीन टू एंड वन टू एंड सॉरी टू एंड थ्री समस्या आएगी तुम्हें बेसिक नेचर किसकी कम है क्योंकि ये इंडक्टिव से पुल कर रहा है और ये बंदे में क्या आ गया ऑर्थो इफेक्ट की वजह से बेसिक नेचर कम टू भी तुम्हारा लेस बेसिक होगा थ्री भी लेस बेसिक होगा एज कंपेयर टू वन हाँ या ना यस सर यस थ्री तो तुम्हारा बेसिक आना ही चाहिए था कम क्योंकि इंडक्टिव से पुल कर रहा है और टू हमारा स्पेशल केस आ गया कि NH2 के साथ और तो भी कोई भी ग्रुप प्रेजेंट है तुम्हारा बेसिक नेचर क्या हो जाएगा कम हो जाएगा समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है लेकिन यहां पे प्लीज हाइड्रोजन बॉन्डिंग वगैरह मत सोचने लग जाना और बाय द वे मैंने एक चीज बहुत बड़ी गड़बड़ कर दी बताओ गाइस क्या नहीं गड़बड़ तो नहीं करी मैंने बेसिक स्ट्रेंथ की बात करना एसिडिक की बात तो नहीं करी ना गुड बेसिक नहीं कोई गड़बड़ नहीं करी मेरे को लगा मैं एसिडिक स्ट्रेंथ का मतलब एकदम दिमाग में से हट गया एसिडिक स्ट्रेंथ अगर हम चेक कर रहे होते NH2 के साथ यहाँ पे NH2 प्रेजेंट है और एसिडिक स्ट्रेंथ चेक कर रहे होते तुम किसका चेक करते N से H का निकलना या O से H का निकलना ये बताना जरा अगर हम एसिडिक स्ट्रेंथ चेक कर रहे होते और NH2 ग्रुप प्रेजेंट है तुम क्या देख रहे होते N से H का O से H का निकलना वेरी गुड क्योंकि OH इज मोर एसिडिक देन NH2 हाँ है ना एनीवे क्लियर हुआ है नहीं हुआ गाइस कुछ फील आई या नहीं आई चीजों की बोलो गाइस यस नेक्स्ट पे आते हैं थर्ड ये बड़ा इंपॉर्टेंट था गाइस लास्ट क्लास में किया था हमने एंड आई रियलाइज दिस इज अ वेरी नाइस वे टू टीच थिंग्स जितने भी तुम्हारे एक्सेप्शन है वो यहीं पे निबट जाएंगे हाँ बताओ गाइस फटाफट बोलो कार्बोकैटायन की स्टेबिलिटी देख रहे हैं बच्चों सर 2 4 3 1 2 4 3 1 एब्सोल्युटली करेक्ट पहली चीज गाइस ये दोनों हाइपर कॉन्जुगेशन से भी डोनेट कर रहे हैं ये सिर्फ इंडक्टिव से कर रहा है तो बेसिकली दीज आर गोइंग टू बी मोर स्टेबल देन थ्री राइट अब इन दोनों में से ज्यादा स्टेबल कौन सा होगा ये इंडक्टिव से डायरेक्टली डोनेट कर देगा ये इंडक्टिव से थोड़ा दूर है तो कम डोनेट करेगा मतलब यहाँ पे हमने हाइपर कॉन्जुगेशन तो देखा ही नहीं हाइपर कॉन्जुगेशन तो ये बता रहा है 2 and 4 आर मोर देन 3 and 1 लेकिन 2 और 4 में ज्यादा कौन है उसके लिए वी विल लुक एट इंडक्टिव इफेक्ट क्योंकि दोनों में हाइपर कॉन्जुगेशन सेम है तो 2 इज ग्रेटर देन 4
थ्री सिर्फ इंडक्टिव से करेगा तो ऑब्वियसली इसका कार्बोक्साइन कम स्टेबल है, वन लीस स्टेबल है, कोई किसी ने डोनेट किया ही नहीं। हाँ है ना बच्चों? यस गाइस, SN2 सबसे जल्दी कौन देगा अगर हमारे पास ये है? अच्छा गाइस एक चीज और, SN2 मैंने इसमें ले लिया, क्लोरीन जोड़ दिया हमने यहाँ पे और SN2 पूछ रहे, आइडिया वही है गाइस। तुम कहोगे सर क्लोरीन तो टूटता ही नहीं, मैं कहूंगा बाई चांस हम तोड़ रहे हैं, बाई चांस हम तोड़ रहे हैं तो सबसे जल्दी किसका टूटेगा? एक्टिवेटेड SN2 बोलते हैं, फेवर्ड नहीं होता नॉर्मली। जब यहाँ पे पुलिंग ग्रुप्स होते हैं ना NO2 वगैरह, जो मैंने पहले केस लिया था उसमें होता है एक्टिवेटेड SN2, लेकिन आइडिया वही है, मैंने इसके साथ ले लिया, नो बिग डील, यू गेट द जर्नल, यू विल गेट द जर्नल आइडिया। मुझे इसमें सबसे जल्दी SN2 किस में होगा बोलो गाइस? ये CL लिया हमने, कौन से में सबसे जल्दी SN2 हुआ? इस वाले में, इस वाले में, इस वाले में या इस वाले में? सेकंड में, फर्स्ट में। कम ऑन, वहां पे कोई डोनेट ही नहीं कर रहा, जो डोनेट करेगा वो तो SN2 को फेवर नहीं करेगा ना बेटा। SN2 में तो हम चाह रहे होते हैं कि यहां पे प्लस डेल चार्ज ज्यादा आए। यस सर, समझ गए, समझ गए। तो SN2, SN2 और SN1 तो होगा ही नहीं, SN1 के लिए हमें क्या चाहिए यहां पे? CH2Cl। SN1 सबसे जल्दी किस में होगा बोलो गाइस? SN1 सबसे जल्दी किस सेकंड में होगा, और यहां पे अगर हम SN2 सोचेंगे तो किस में सोचेंगे? इट शुड बी वन ऑब्वियसली, बाकी सब में तो डोनेट कर रहा है। हाँ है ना? यस यस, गुड। अब यहां पे मैंने NH2 दे मारा, बेसिक स्ट्रेंथ देखना चाह रहे हैं हम, बताओ गाइस बेसिक स्ट्रेंथ सबसे ज्यादा किसका होगा? CH2 प्लस की जगह NH2 मान रहे हैं, मान लीजिए सबसे ज्यादा बेसिक कौन सा होगा? सेकंड। हाँ, अब इसमें अब तो तुम्हें आदत हो गई ना ऑर्थो इफेक्ट देखने की, तो अब बताओ ये जो NH2 या CH3 है दिस इज गोइंग टू बी लेस बेसिक देन वन, इतना समझ आ रहा है नहीं आ रहा है? यस सर। तो आंसर क्या होगा? बोलो विच इज गोइंग टू बी मोस्ट बेसिक, CH2 प्लस की जगह NH2 देखो। बेसिक का मतलब है नाइट्रोजन वाले एडजेसेंट कार्बन पे नेगेटिव चार्ज, सबसे ज्यादा किस में है? फोर। फोर, वेरी गुड। और सबसे कम बेसिक कौन सा होगा? इन सब में डोनेट कर रहा है वाया वन इफेक्ट और अनदर, है ना? फर्स्ट। लेकिन ये कम हो जाएगा, बेसिक नेचर सबसे कम किसका होगा? ऑर्थो इफेक्ट, इसका इससे कम हो जाता है या नहीं? यस सर, यस। इट इज गोइंग टू बी टू, सबसे कम बेसिक ये, सबसे ज्यादा बेसिक ये। और तो इफेक्ट तुम्हारा किसमें लगता है? NH2 या COH में? तो अब COH की बात कर लेते हैं, COH में सबसे कम एसिडिक कौन सा होगा? यहां पे COH ट्रीट करो और बताओ सबसे कम एसिडिक कौन सा होगा? फोर। सबसे कम एसिडिक इज फोर, एब्सोल्युटली करेक्ट। और सबसे ज्यादा एसिडिक कौन सा होगा? टू। टू, क्योंकि COH के साथ ऑर्थो पे कुछ भी लगा दो उसका एसिडिक स्ट्रेंथ इससे ज्यादा होता है। हाँ है ना बच्चों? वेरी नाइस, मेरे ख्याल से अब क्लैरिटी आ जानी चाहिए मोर और लेस। हाँ है ना? राइट। अच्छा गाइस, अगर बाय चांस मैं यहाँ पे एक ये लेता और एक में यहाँ पे दो CH3 जोड़ देता COH का, तो ज्यादा एसिडिक कौन सा होता जिसमें दोनों ऑर्थो पोजिशन आर ऑक्यूपाइड बाय CH3? ठीक है बेटा, क्लियर है यहां तक? यस सर। कुछ स्पेशल केस बेटा, स्पेशल केस कौन से आते तुम्हारे? NH2 वाले केसेस बनते हैं स्पेशल, देखते हैं कौन सा। लेट अस हैव अ लुक एट दैट। देखो बेटा ये
एन सी एस वी, पहले एक नॉर्मल चीज देखते हैं, बिटवीन दिस दिस एंड दिस एंड लेट अस से दिस, वी शुड बी मोस्ट बेसिक गाइस, ये यहां पे एन एस सी तो ना लो, आर एन एस टू लेता हूं, वी शुड बी मोस्ट बेसिक बच्चों. द सेकंड, कम ऑन गाइस, मोस्ट बेसिक क्यों मजे ले रहे हो, इट इज गोइंग टू बी फोर्थ वन, बाकी सब मैं नाइट्रोजन का लोन पे रेजोनेंस में गया हुआ है, फोर्थ वन इज मोस्ट बेसिक, हाँ है ना, बिटवीन वन टू एंड थ्री सबसे ज्यादा बेसिक कौन सा है, फोर तो समझ आ रहा है, नहीं आ रहा है सबसे ज्यादा बेसिक क्यों आया, क्योंकि नाइट्रोजन का लोन पे रेजोनेंस में नहीं गया, वन टू थ्री में से सबसे ज्यादा बेसिक कौन सा हुआ, वन ऑब्वियसली गाइस, अंडरस्टैंड करो तुम्हारी टेंडेंसी क्या होती है, टू ग्रेटर देन वन ग्रेटर देन थ्री, हाँ है ना इस टाइप का, टू ग्रेटर देन थ्री ग्रेटर देन वन, बेटा दैट इज स्पेसिफिक टू इथाइल एंड मिथाइल ओनली, यहां पे कोई बेसिक नेचर की बात कर रहा है, नॉट टॉकिंग अबाउट दैट काइंड ऑफ स्टफ जो तुम सोच रहे हो, वहां पे तो सी एस सी या सी टू एच फाइव ही देंगे और कुछ ना देने वाले हो, समझे नहीं समझे बेटा, यस सर, क्लियर है यहां तक, तो वन है ना क्योंकि दोनों डोनेटिंग है, हाँ बिल्कुल, दैट इज व्हाई यू विल हैव वन ग्रेटर देन टू ग्रेटर देन थ्री, समझ गए बेटा, यस गुड, एक और एग्जाम्पल लेते हैं, तो यू विल हैव फोर ग्रेटर देन वन ग्रेटर देन टू ग्रेटर देन थ्री, वो जो स्पेशल केस मैंने बताया था कि तुम्हारा 2 greater than 3 greater than 1 greater than NH3 for ethyl and 2 1 3 greater than NH3 for methyl, that was very specific, ये अब different है, अब next पे आते हैं, next question, वो भी अच्छा है guys, NH2 NH2 NO2 NH2, let us take, इसके अंदर एक काम करते हैं, ये क्वेश्चन मैंने पुराना जो पढ़ाया था उसी से उठा रहा हूं मैं तुम्हारा, वन टू थ्री फोर सबसे ज्यादा बेसिक कौन, बोलो गाइस, सबसे ज्यादा बेसिक कौन, एक्सेप्शन है, सही पूछा जाए, एक्सेप्शन है, पहले मैं नॉर्मल ऑर्डर पूछना चाह रहा हूं तुमसे, डोंट गो इनटू द एक्सेप्शन, आई जस्ट वांट टू आस्क यू योर नॉर्मल ऑर्डर बच्चे, बोलो गाइस, बच्चे बोल ही नहीं रहे, अरे नलायक को बोलो कुछ, से समथिंग, सर थ्री फोर वन टू, नो इट शुड बी फोर देन सॉरी टू, ये तुमने क्या बताया था वैसे, फिर से बोलना तुमने क्या बोला था, थ्री फोर वन टू, अच्छा डिक्रीजिंग में, यस सर ऐसे, बेटा पहली चीज ये जो एनओ टू है ये बहुत ज्यादा पुल करेंगे, लेकिन तुम्हारा पहली चीज एक मिनट लेट मी जस्ट कंफर्म, तुम्हारा कहीं ना कहीं तुम्हें ऐसी फील नहीं आ रही, तो मैं समझ गया तुमने ये क्यों ऑर्डर लिखा है, तुमने पहले इसको कंपेयर किया है ना, यस सर, ये दोनों में सेम है तो थ्री विल बी ग्रेटर देन फोर, उसके बाद टू और सॉरी उसके बाद वन और उसके बाद टू, राइट, यस सर ऐसे कह रहे हैं, राइट, अब पहली चीज इसका ऑर्डर क्या आना चाहिए था, इट शुड हैव बीन फोर शुड बी मिनिमम, क्योंकि एनओ टू बहुत ज्यादा चार्ज मारेगा, समझ गए,
तो हमारे इसका ऑर्डर नॉर्मली जो एक्सपेक्टेड ऑर्डर है वो आना चाहिए था 3, देन योर 1, देन योर 4 एंड देन 2। हाँ है ना, अगर ध्यान से देखा जाए 3 में सारे डोनेटिंग है, उसके बाद तुम्हारा क्या आ गया ये वाला 1, उसके बाद आ गया 4 क्योंकि इन्होंने पॉज में बहुत ज्यादा मारा, मतलब NO2 ग्रुप्स ये दोनों सिमिलर है ना बेटा NO2 की टर्म्स में, तो दिस शुड हैव बीन योर ऑर्डर। ऑर्डर ये नहीं आता, ऑर्डर क्या आता है बेसिक नेचर का उसे देखो, सबसे कम 2 या सबसे ज्यादा में कहोगे 4, फिर तुम्हारा 3, फिर तुम्हारा 1, फिर तुम्हारा 2, दैट इज द एक्चुअल ऑर्डर। अब ये कैसे आ गया, हाउ कम 4 इज मैक्सिमम जबकि 3 NO2 ग्रुप्स प्रेजेंट है। बेटा यहां पे जो नाइट्रोजन का लोन पेयर है ना दैट डज नॉट गो इनटू रेजोनेंस क्योंकि बहुत ज्यादा हिंडेंस आ गई, लोन पेयर ऑफ नाइट्रोजन डज नॉट गो इनटू रेजोनेंस। ये कब नहीं देखा जाता, जब तुम्हारे पास इस टाइप का सब्सटेंस प्रेजेंट है। किस टाइप का बच्चों, इस टाइप का या इस टाइप का, मतलब दोनों ऑर्थो पोजीशन जरूरी नहीं ऑक्यूपाई करो, एक भी ऑक्यूपाई कर रहे हो और नाइट्रोजन के पास दो ग्रुप्स प्रेजेंट है, एक या दोनों, इनमें लोन पेयर ऑफ नाइट्रोजन इज अवेलेबल फॉर डोनेशन। समझे या नहीं समझे गाइस, बच्चे बोल ही नहीं दे। मतलब सर अगर 3 अगर ऑक्यूपाइड हो तो एक्सेप्शन लगेगा और तो क्या, हाँ मतलब इसमें भी लगेगा, इसमें भी लगेगा, इन दोनों में। क्या पूछे थे फिर से बताना। ठीक है सर, समझ गया। ठीक है ना, क्योंकि इसका लोन पेयर डज नॉट गो इनटू रेजोनेंस विद अ रिंग, इसीलिए तुम्हारा इट इज हाईली बेसिक, ये नॉर्मली एलिफैटिक की तरह चला गया। समझ गए गाइस, ओके। I think now let us, we have to go on to acids. बाकी हमें करने की जरूरत नहीं, बाकी को तुम normally relate कर जाओगे acids. बोलता जाऊंगा guys. Oxalic acid पता है? दो कार्बन के साथ COH. Yes sir. तीन कार्बन के साथ क्या बनता है? Sir malonate. चार के साथ? Yes, succinate. पांच के साथ? Glutaric. छह के साथ? एडिपिक। सात के साथ? उसका नहीं पता, पेमेलिक। आज ही तो किया था। हाँ 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 ठीक है, गुड। ये हमारा हो गया ग्लूटेरिक और एडिपिक एंड पेमेलिक, वी आर डन विद दिस पार्ट। स्ट्रेंथ ऑफ एसिड्स में मुझे बताओ काम की चीज, वैसे सही बताया जाए तो दिस इज एक्सेप्शन, एक्सेप्शन है। ये एसिड कौन सी थी गाइस? मैलिक, राइट? ये कौन सी है बच्चों? फ्यूमेरिक। इसमें से पहला एच लूज करवाना किसके लिए आसान है? के वन किसका ज्यादा है, पहला एच लूज करवाना? डू यू रियलाइज गाइस, यहां से एच जाएगा तो हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो जाएगी, स्टेबलाइज हो जाएगा, तो K1 मैलिक का ज्यादा है। अब आते हैं K2 ऑफ मैलिक एज कंपेयर टू फ्यूमेरिक। हम कहेंगे यार जब ये हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो गई इसकी इसके हाथ, तो दूसरा ऐसे लूज करना तो मुश्किल पड़ गया। यस, तो दूसरा हाइड्रोजन लूज करवाना फ्यूमेरिक का आसान है एज कंपेयर टू मैलिक। सही पूछा जाए, मुझे नहीं लगता इस क्वेश्चन का कोई खास सिग्निफिकेंस है, एज अ टीचर आई वुडंट से एनीथिंग। गाइस एक चीज और बच्चों, मुझे जरा तुम इसमें ये क्वेश्चन, इसको दो तरीके से यूज करना, एक जो मैं इन कंपाउंड के नाम बता रहा हूं वो भी याद करना है तुम्हें क्योंकि आता है, और दूसरा आई वॉन्ट टू नो द एसिडिक स्ट्रेंथ बच्चों। एसिड स्ट्रेंथ सबसे ज्यादा किसका है पहले ये बता दो,
बोलो गाइस, ऑर्डर बताओ पहले वाली बार, फिर थर्ड। वेरी गुड, एंड फिर टू। आई थिंक वी आर प्रीटी मच क्लियर। ये ऑर्थो पे है, वैसी एसिडिक स्ट्रेंथ ज्यादा है, राइट? क्लियर और नॉट? नॉर्मल से ज्यादा होता है, ऊपर से पुल भी कर रहा है, राइट? है ना बच्चों? यस सर। गुड। दूसरा तुम्हारा, बल्कि पुल को तो हम देखेंगे, वन शुड बी मोर एसिडिक देन थ्री। क्यों होगा गाइस? क्योंकि हमारा ये रेजोनेंस से भी पुल कर रहा है, इंडक्टिव से भी पुल कर रहा है, ये सिर्फ इंडक्टिव से पुल कर रहा है। हाँ है ना बच्चों? यस सर। राइट, दैट इज व्हाट यू विल गेट गाइस। गुड, तो दिस इज द ऑर्डर। इस एसिड को क्या बोलते हैं गाइस? नाम इंपॉर्टेंट है, थैलिक एसिड। वन इज थैलिक एसिड, टू क्या है बच्चों? आइसोथैलिक एसिड, और तीसरा तुम्हें, सॉरी सेकंड का मतलब मैं लिखिए दिस थिंग, ये है आइसोथैलिक एसिड और अब आते हैं थर्ड पे गाइस। थर्ड तुम्हें याद होना चाहिए, जिन्होंने पॉलीमर पढ़ा है, इट इज टेरेप्थेलिक एसिड। याद आ रहा है बेटा? डेक्रॉन, टेरिलीन, कुछ रिलेट कर पा रहे हो? बोलो बेटा। बच्चों सौमिल बेटा कुछ रिलेट कर पाए, नहीं कर पाए? बच्चा बोल ही नहीं रहा, क्लास में भी है या नहीं है पता चला? क्लास से सौमिल है तो सही, म्यूट पे है। एनीवे गाइस आगे चलें, शैल वी गो ऑन? आगे चलते हैं गाइस। राइट, वी आर डन विद दिस पार्ट, लेट अस गो ऑन टू एरोमेटिसिटी। एरोमेटिसिटी करते हैं बच्चों। एरोमेटिसिटी से पहले एक काम करते हैं, अमीन्स का जो ऑर्डर था वो भी मैं फिर से लिख देता हूं। अमीन्स में अगर तुम आर एन एस थ्री, आर एन एस टू, आर टू एन एच और आर थ्री एन को देखते हो, तो अगर हमारा आर सी एस थ्री है तो ऑर्डर आता है टू ग्रेटर देन वन ग्रेटर देन थ्री ग्रेटर देन एन एस थ्री। फैक्ट टू लर्न है गाइस, कुछ खास कर नहीं सकते तुम इस बारे में। सी टू एच फाइव लेते हो, ऑर्डर इज टू ग्रेटर देन थ्री ग्रेटर देन वन ग्रेटर देन एन एस थ्री। याद कर लो, पहले समझाया था, अब मैं कहूंगा याद कर लो, ठीक है गाइस? ऑर्डर है, याद करने की चीज है। एंड दिस इज योर ऑर्डर इन, ये ऑर्डर किसमें है बच्चों? गैस में। हाँ, एक्वस मीडियम। इन गैस फेज या नॉन पोलर मीडियम, ऑर्डर सिंपल चलता है गाइस, गैस फेज या नॉन पोलर मीडियम, ऑर्डर इज सिंपल, थ्री ग्रेटर देन टू ग्रेटर देन वन ग्रेटर देन एन एस थ्री। समझ में आया नहीं आया? बोलो गाइस। बच्चे बोल नहीं रहे। आगे कर, अब आते हैं एरोमेटिसिटी पे बच्चों। यार ये बताओ, एरोमेटिसिटी कितना याद है कितना याद नहीं है, ये बताओ मुझे सबसे पहले। तो थोड़ा सा याद है। ओके, पहली चीज, तीन तरह के होते हैं, एरोमेटिक, नॉन एरोमेटिक, एंटी एरोमेटिक। तो एरोमेटिक आर मोर स्टेबल देन नॉन एरोमेटिक, आर मोर स्टेबल देन एंटी एरोमेटिक। ओके गाइस, दैट इज द ऑर्डर दैट यू गेट, ठीक है बच्चों? हाँ है ना? एरोमेटिकली तीन चीजें चाहिए, प्लेनर, कॉन्जुगेशन एंड फोर एन प्लस टू पाई इलेक्ट्रॉन्स। फोर एन प्लस टू का मतलब क्या है? एन की वैल्यू जीरो भी हो सकती है, टू सिक्स टेन फोर्टीन। ये पाई इलेक्ट्रॉन्स अगर है तो वी विल से योर कंपाउंड इज एरोमेटिक। समझ में आया नहीं आया गाइस? जस्ट होल्ड ऑन बच्चों। बच्चों यहां तक समझ गए? क्लियर है? एंटी एरोमेटिक में पहली दो कंडीशन सेम रहती है, थर्ड कंडीशन में आ जाता है 4n पाई इलेक्ट्रॉन्स इंस्टेड ऑफ 4n प्लस 2, मतलब 4 8
वेल यू गेट द आइडिया और नॉट गाइस? हाँ ना बच्चों? यस राइट। तो अगर ये है हमारे तुम्हारा एरोमेटिक, ये है तो एंटी एरोमेटिक, और नॉन एरोमेटिक क्या हो गया? जो ना एरोमेटिक ना एंटी एरोमेटिक वो नॉन एरोमेटिक। ठीक है गाइस, वी आर डन विद दिस पार्ट, नाउ स्ट्रेट अवे लेट अस गो ऑन टू एग्जांपल। ये क्या होगा बच्चों? कंप्लीट कॉन्जुगेशन दिख रही है, डबल सिंगल पॉजिटिव सिंगल डबल, कंप्लीट कॉन्जुगेशन तो है, डबल सिंगल पॉजिटिव सिंगल डबल। तो मुझे बताओ इसमें क्या होगा, पाई इलेक्ट्रॉन्स कितने गाइस? बोलो बच्चों, वो कितने पाई इलेक्ट्रॉन्स है? पॉजिटिव डज नॉट काउंट एज अ पाई इलेक्ट्रॉन गाइस, इट इज हेल्पिंग इन कॉन्जुगेशन बट इट इज नॉट काउंटिंग एज पाई इलेक्ट्रॉन। दो ही है, दो मतलब एरोमेटिक। हाँ है ना, अभी हमने देखा था। यस गुड, इट इज एरोमेटिक। व्हाट अबाउट दिस वन गाइस? बोलो बच्चों ये क्या होगा? एंटी एरोमेटिक। व्हाट अबाउट दिस वन गाइस? नॉन एरोमेटिक। गुड, what about this one guys? Sir, anti-aromatic. Good, what about this one guys? Now these are helping in conjugation, double single positive single positive single double, they are helping in conjugation but they are not exactly, these two are not counting as pi electrons, you know pi electrons, so there are no electrons. So what is this, aromatic, anti-aromatic? Huh? Aromatic. It could also have been written like this. Okay guys, feel आ रही है नहीं आ रही बच्चों? सर अगर ऐसे सर्कल में लिखा हुआ है यानी कंप्लीट कॉन्जुगेशन है। हाँ बेटा, what about this one? सर aromatic. Good. Let us go on to some more questions. What about this one? Anti. What about this one? Sir, non-aromatic. What about this one? Sir, anti-aromatic. What about this one? Sir, anti-aromatic. Aromatic, we will not be counting both of them. Conjugation में तो एक ही part लेगा ना बेटा। In fact, that was one of the reasons कि मैंने दोनों lone pair दिखाए थे ताकि बच्चा गलत कर दे। ठीक है? At one point of time, though, there will be only one pair of electrons in conjugation, so it will be six pi electron. What about this one, guys? हाँ? Aromatic. Aromatic, good. Let us see. केवल atom ही बनाए हुए हैं ऑक्सीजन का या फिर नाइट्रोजन का, तो फिर काउंट करना है ना लोन पे? मतलब लोन पे अगर नहीं भी दिखा रखे तब भी हम काउंट कर लेंगे, मतलब क्वेश्चन समझ नहीं आया मुझे थोड़ा। नहीं सर, ये पूछ रहा था कि अगर दिखाए नहीं है तो। हाँ दिखाए नहीं है तब भी हम काउंट तो करेंगे, हमें पता है। ठीक है, व्हाट अबाउट दिस वन गाइस? पाई इलेक्ट्रॉन दिखा देना कितने हैं, कहीं मजे लेने लग जाओ गाइस। पाई इलेक्ट्रॉन्स कितने होंगे? छे, दो दो दो। लोन पेयर को काउंट ही नहीं करेंगे, दे आर नॉट टेकिंग पार्ट इन कॉन्जुगेशन। समझ रहे हो नहीं समझ रहे? व्हाट अबाउट दिस वन गाइस? बोलो गाइस, कुछ तो बोलो। इसका कैसे निकालेंगे? हाँ बेटा, इसका निकालेंगे कैसे? इसका इनको काउंट ही नहीं करेंगे, रिंग के बाहर पड़े हैं, पड़े रहने दो उन्हें। एरोमेटिक। एरोमेटिक, गुड। ओके, व्हाट इज दिस? जो कॉन्जुगेशन में पार ले रहे हैं उन्हें उठाना होता है सर। एरोमेटिक। कौन से पेयर ऑफ आए हैं इलेक्ट्रॉन? ऊपर नीचे,
ऊपर वाले, दे आर नॉट टेकिंग बार इन कॉन्जुगेशन. तो गाइस अगर बेस की तरह लोन पे किसको देना है, कौन देगा गधा? नीचे नीचे वाला. दिस इज फ्री, दिस इज अ पेयर विच इज डोनेटेड. साइट फॉर प्रोटोनेशन, साइट फॉर प्रोटोनेशन. बच्चे ढेर हो गए होंगे गाइस, समझ आया नहीं आया बच्चों? यस गुड. व्हाट अबाउट दिस नाइस स्ट्रक्चर? व्हाट अबाउट दिस वन गाइस? वो बोरॉन है. हाँ बेटा दैट्स बोरॉन. एरोमेटिक. इट इज गोइंग टू बी एरोमेटिक. बोरॉन इज इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट. हाँ है ना, मतलब यू कैन ट्रीट इट लाइक अ पॉजिटिव चार्ज. पहली चीज, दैट्स वन वे टू अंडरस्टैंड. समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है? तो देयर इज कंप्लीट कॉन्जुगेशन. समझ गए गाइस? यस. और पाई इलेक्ट्रॉन्स काउंट करोगे तो 2+2+2. दैट्स वन वे टू अंडरस्टैंड कि बोरॉन इज काउंटेड एज इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंसी. या फिर दूसरा तरीका क्या है, नाइट्रोजन गधे ने अपना लोन पेयर बोरॉन को दे दिया, इधर इसने इस बोरॉन को दे दिया, इधर इसने इस बोरॉन को दे दिया. नाइट्रोजन पे पॉजिटिव, बोरॉन पे नेगेटिव, नाइट्रोजन पे पॉजिटिव, बोरॉन पे नेगेटिव, नाइट्रोजन पे पॉजिटिव, बोरॉन पे नेगेटिव. अब देख लो पाई इलेक्ट्रॉन्स दिख रहे हैं 6. पील आ रही है नहीं आ रही है गाइस? यस सर. ये कंपाउंड क्या होता है पता है? बोराजीन, बोराजोल, दोनों ही नाम चलते हैं. हाँ बिल्कुल याद करना है क्योंकि एनसीईआरटी में दे रखा है. बोराजीन 11th में, बोराजोल या अनदर नेम फॉर इट इज इनऑर्गेनिक. सर एस ब्लॉक में किया था, किया था ना? गुड. इनऑर्गेनिक बेंजीन आई थिंक देयर वाज अ नेम. ठीक है ना गाइस, दैट इज व्हाट वी हैव. बोराजीन, बोराजोल या इनऑर्गेनिक बेंजीन. हो गया बच्चों, आगे चलें गाइस. Yes. बच्चे यहीं से ध्वस्त हो गए कर करके एग्जांपल्स और एग्जांपल भी चलते हैं बच्चे. सर ये जो बोराजीन है इसमें अगर ये नाइट्रोजन अपना बॉन्ड नहीं बनाता इसके से, तो ये नहीं, तो ये एरोमेटिक कहते हैं हम. कंप्लीट कॉन्जुगेशन तो तब भी देखेंगे इसका बोराजीन होता कि नहीं होता. हाँ हाँ दोनों ही स्ट्रक्चर वैलिड है बेटा. ओके बोथ ऑफ द स्ट्रक्चर्स आर वैलिड, मतलब उनमें गड़बड़ नहीं है. नेक्स्ट पे आओ बच्चों, इसको हम क्या करेंगे, ब्रेक दैट C double bond O into O minus C plus. अब look at the ring. Aromatic. What about this one? Aromatic. Aromatic. Basically, we'll break this bond into O minus this plus. It is going to be aromatic. Good. Fine. I think we are done with this part. एक और चीज़. If one ring is aromatic, the compound is aromatic. Clear or not, bachcho? Compound is aromatic. Fact to learn, guys. It is a fact to learn. Jaise What is this? It is aromatic, हाँ है ना? Yes. क्योंकि इसमें तो दोनों ही रिंग aromatic हो गई. What about this one? Is this aromatic? Yes. Yes. What about this one? इसमें bond break करके सोचना पड़ेगा guys. बोलो बच्चों. सब प्लस और माइनस किसको कहते हैं? Exactly. अगर यहाँ पे माइनस लेते हो यहाँ पे प्लस लेते हो, do you realize both rings will be anti aromatic? Yes. Yes. तो हम ये लेंगे नहीं, हम इसको ऐसे तोड़ेंगे so that both become aromatic plus minus. Now both of them are aromatic. हम तो कह रहे हैं एक aromatic है तब भी तुम्हारी ring aromatic हो जाएगी compound. समझे नहीं समझे बेटा? Yes sir. सर aromatic से तोड़ेंगे. हाँ? एरोमेटिक बन जाए. अच्छा एक चीज और, डू यू रियलाइज इसमें डायपोल मोमेंट बहुत ज्यादा होगा क्योंकि ये जो हमने कंपाउंड ये बनाया है
इट विल बी एग्जिस्टिंग इन द फॉर्म ऑफ प्लस एंड माइनस रादर, है ना। मैं उसकी इसमें रहने की टेंडेंसी ज्यादा होगी, इसलिए इट इज गोइंग टू बी, क्योंकि अब हमारे पास प्लस डेल माइनस डेल नहीं, अब तो चार्जेस आ गए, तो डाइपोल मोमेंट विल बी हाई। ओके नेक्स्ट, इसके अंदर डू यू रियलाइज कि हमारा जो सिग्मा बॉन्ड है, सिग्मा बॉन्ड की तरफ इसकी टेंडेंसी ज्यादा होगी, तो देयर कैन बी इजी रोटेशन अबाउट दिस सिग्मा बॉन्ड, क्योंकि ये तुम्हारा डबल बॉन्ड नेचर ही ज्यादा शो नहीं कर रहा है, हाँ ना। क्लियर है या नहीं बच्चों, बोलो। यस सम अदर केसेस, फ्यूज की बात करते हैं। हाँ बेटा, तो पीछे वाले एक बार बता दो मुझे, वो रोटेट कर दो। क्या ये रोटेट? हाँ वो थोड़ा घिनौना केस बन गया बेटा, रोटेट का नॉर्मली कोई पूछेगा नहीं, बट स्टिल ऐसे मान के चलो ये दे रखा है उसने। मैं केस एग्जांपल लेके समझाता हूँ कि दो तीन एग्जांपल ले लिए, एक ये लिया हमने, एक हमने ये लिया, और एक हमने लेट अस से हमने क्या ले लिया, ये लिया। इनमें तुम्हारा सबसे जल्दी कौन सा होगा, सबसे सॉरी इसके अबाउट सिग्मा बॉन्ड के अबाउट, अगर हम यहां पे सिग्मा बॉन्ड बनाने की कोशिश करें, इसके अबाउट रोटेशन सबसे जल्दी किसमें हो सकता है अबाउट दिस बॉन्ड, मतलब रिंग का रोटेशन कब पॉसिबल है। हम कहेंगे इसमें तो रिंग रहेगी प्लस माइनस की फॉर्म में, है ना बेटा, दोनों एरोमेटिक। इसमें हम कहेंगे अगर हम इसको प्लस माइनस कर देते हैं तो एक एरोमेटिक है, एक रेजोनेंस स्टेबलाइज्ड है ना। यस इसमें एक कर दें तो एक एरोमेटिक एक एंटी एरोमेटिक, हाँ है ना। इसका मतलब ये सिंगल बॉन्ड के फॉर्म में तो रहना ही नहीं चाहेगा, और डबल बॉन्ड में रोटेशन हो नहीं सकती। यस तो इसके अबाउट रोटेशन सबसे कम फेवर्ड होगी, उससे ज्यादा इसमें सबसे ज्यादा फेवर्ड होगी बॉन्ड के अबाउट रोटेशन, हाँ है ना। यस अब इसके बारे में बता, व्हाट अबाउट दिस वन सर, होगा एरोमेटिक। अगर एक भी रिंग एरोमेटिक है तो कंपाउंड एज अ होल इज एरोमेटिक। व्हाट अबाउट दिस वन गाइस, ये भी होगी सर एरोमेटिक, एरोमेटिक होगा। ठीक है, अच्छा बाय द वे व्हाट वाज दिस कंपाउंड, ये क्या था? ये नेफ्थलीन था, ठीक है। अगर तीन बेंजीन लिंक साथ साथ कनेक्टेड होती तो क्या बनता? एंथ्रासीन। समझ आ रहा है नहीं आ रहा है गाइस? अरे कौन से चैप्टर में, कौन सा क्या सर? यही नाम नेफ्थलीन हो रहा है बड़े, ये हमने मेरे ख्याल से केमिकल बॉन्डिंग में पढ़े थे बच्चे। नहीं सर, केमिकल बॉन्डिंग में कहाँ से आ गया? नहीं केमिकल बॉन्डिंग में नहीं पढ़े मैंने, पढ़ाए कि तुम्हें नहीं पढ़ाए, तुम्हें नहीं पढ़ाए केमिकल बॉन्डिंग में। आपने जो नोमेनक्लेचर की वीडियो दिखाई थी उसमें थे, उसमें थे, ठीक है डन। तो उसमें था कि तुम्हें करवाया तो इतना मुझे याद आ रहा है, लेकिन आई रिमेंबर तुम्हें बॉन्डिंग में नहीं कराया था, बॉन्डिंग में इससे पिछले वाले बैच, तुम्हारे से पिछले वाले बैच को बॉन्डिंग में करवाया था, इसलिए उनकी जांच के लिए। क्या ये वाला जो अभी कंपाउंड बताया नेफ्थलीन बेटा, ये कंपाउंड जब लिखे होंगे ना मैंने, इंपॉर्टेंट कंपाउंड वहां पे लिखा होगा शायद, चेक कर लेना। ये नेफ्थलीन है, और ये एंथ्रासीन है, ठीक है। सर वैसे डायरेक्ट क्वेश्चन आ जाते हैं कि एरोमेटिक है नहीं है? हाँ आ जाते हैं। अरे जब क्वेश्चंस डिस्कस करे थे तुमने दिखा नहीं था आ रखा है एरोमेटिक है, एरोमेटिक सब पहला वाले। हाँ एनीवे गाइस, अब एक स्पेशल केस देखते हैं एक्स इसमें हमें क्या करना है, हमें रिएक्शन करवानी है इसकी Mg के साथ। सबसे जल्दी कौन करेगा? हम कहेंगे Mg के साथ MgX बनता है जिसमें तुम्हारा कार्बन पे नेगेटिव आता है, सबसे जल्दी कौन गधा करेगा? फर्स्ट फिर
फिर सेकंड करेगा। क्योंकि वो रेजोनेंस स्टेबलाइजर है, पहले वाला एरोमेटिक है, दूसरा रेजोनेंस स्टेबलाइजर है, तीसरा कुछ भी नहीं है, करेक्ट। यस सर। अब मैंने कह दिया इसमें मैं एस एन वन कराना चाह रहा हूँ। एस एन वन का मतलब ये तोड़ गए पॉजिटिव चार्ज, बताओ सबसे जल्दी कौन करेगा? थ्री टू वन, टू थ्री वन, अंडरस्टैंड करो यहां पे पॉजिटिव आ रहा है, रेजोनेंस स्टेबलाइज हुआ नहीं हुआ? यस सर। यहां पे नॉर्मल है और यहां पे एंटी एरोमेटिक बन गया। गाइस इस पे भी क्वेश्चन आते हैं, बट यू डोंट रियलाइज के क्वेश्चन एरोमेटिक का है। समझा नहीं समझे गाइस बच्चों? यस। एक आई थिंक दैट्स इट, वी आर डन विद जीओसी गाइस।